दो जिस मिनट दिन में ओपन आप हो चुके विश्वेश्वर अय्या क्या शब्द इनका का इंटरनेट उच्चारण कर टारगेट देंगे, जो है मेरा सपोर्ट वोट बीजेपी आपको। बस मैं यही जिस चाहता दिन विश्वेश्वर अय्या ये बीजेपी को सपोर्ट करते हुए बैठ के यहाँ पे वो सही सपोर्ट कर देंगे, आप मेरा वोट आपको। आप फिर मत करोगे बैठे और मैं चाहता हूँ आप बीजेपी। देखिए मैंने शुरू में ही बोला ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, ये हारने के बाद भी बोलेंगे जी हम हारे नहीं बल्कि एक तरीके से जीत गए। मैं ये पूछना चाह रहा था देखिए तो बीजेपी के पास एक छुपा हुआ ट्रंप कार्ड और है। हाँ, अगर ओवैसी साहब ने भी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। हाँ, अब समय खत्म हो रहा है एके साहब, समय खत्म हो रहा है, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। अकरम कादरी जी ऐसे नहीं चलता, ऐसे चर्चा नहीं होती। अकरम कादरी जी ऐसे चर्चा नहीं होती, एक आदमी इनको यूपी में पूछ नहीं रहा है कौन नहीं ऐसे चर्चा। एक शादी में अब ऐसे दीवाना बना ऐसे चर्चा नहीं। अरे सर आप जाके झांके के बाहर कोई लाइन नहीं लगी है, कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहे हैं। नहीं दिक्कत आप मुझे फोर्स मत करिए कि मैं किसी कादरी साहब कादरी साहब क्या आप शांत नहीं रह सकते? मुझे अपने हिसाब से एनालिसिस करना है। आप शांत नहीं रह सकते क्या? क्या दिक्कत है? अगर आपके पास आपको बोला जाए आप मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मुझे भी आप फोर्स कर सकते हैं। 500 पॉइंट है, मैं भी बोलूंगा, मैं विदाउट सच्चाई का वोट करता हूं आपकी पार्टी की। यू डोंट नो, सच्चाई बहुत सकते हैं दूंगा मैं ऐसा पीएम की सच्चाई में। ऐसा पीएम गैस की सप्लाई नहीं होगी, 10 लाख का सूट मिलता है, 4.5 लाख की बिरयानी और वो खाता है, पाकिस्तान से हाथ मिलाता है। अरे सर आप कश्मीर को तहलका बना दिया और छोड़ के भागे, सुधार नहीं सके, गृह युद्ध करा के कश्मीर में। पीएम कैंडिडेट को बताओ कि नाम कैसे लिया जाता है, हिंदी में नाम बोलने उनको नहीं आता है और फॉरेन से ग्रेजुएट है, शर्म नहीं आती है आपको? मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो क्या? आप मंत्री के पास चले जाके आप अपने शिक्षा मंत्री की टिकट बनवाइए। आखिर ये दो मिनट में ओपन हो चुके क्या इनका इंटरनेट टारगेट जो है मेरा वोट आपको? बस मैं यही जिस दिन विश्वेश्वर अय्या ये बीजेपी को सपोर्ट करते हुए बैठ के यहाँ पे वो सपोर्ट कर देंगे, आप मेरा वोट आपको। आप फिर मत करोगे बैठे और मैं चाहता हूँ आप बीजेपी का प्रमुख। मैं आप ही के फेवर में बोल रहा था। अरे मेरा फेवर में बोल रहे हैं आप? आज तक नहीं बोल रहे होंगे। क्यों बोलूं, क्यों बोलूं आपके फेवर में? वही तो मैं चाहता हूँ, खुल के बोला बीजेपी के पक्ष में, जनता को पता तो लगे क्या आप निष्पक्ष हैं या बीजेपी के प्रमुख हैं। बीजेपी या किसी पार्टी का आप बोलिए ना आपके पक्ष में, किसने देश की जनता को? अकरम कादरी जी, अकरम कादरी जी और एके मिश्रा, आप दोनों से मैं बहुत अपसेट हूँ। आप दोनों ने चर्चा में मर्यादा नहीं, मैं अपसेट हूँ, अच्छा लगता है, मैं अपसेट हूँ, मैं इतने बात हूँ, मैं आपके आपका समय खत्म हो गया, कितना भी हमको आप दोनों का समय खत्म हो गया, एक भी आप दोनों का समय खत्म हो गया, दोनों का समय खत्म हो गया। और आप दोनों ने ना तो प्रमोद गोस्वामी को बोलने दिया, ना जयप्रकाश पांडे को, ना ही संजीव चौधरी को। ऐसे नहीं चर्चा होती। मैं 5 लोगों का बुला रहा हूँ, 5 लोगों के पास वक्त होना चाहिए। मैं काउंटर करने का मौका देता हूं, इसका मतलब नहीं कि इसका बेजा इस्तेमाल करें आप लोग। समय खत्म हो गया। प्रमोद गोस्वामी जी माफ कीजिएगा, आप आए, वक्त आपने निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जयप्रकाश पांडे जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अकरम कादरी जी और एके मिश्रा आप दोनों का भी शुक्रिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके को सही करना पड़ेगा। आप दोनों ने अपसेट किया, इस चर्चा को ही आपने गलत तरीके और गलत दिशा में लेके गया। संजीव चौधरी जी स्वागत आपका, शुक्रिया आपका। इसी के साथ